वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं छोले भटूरे बनाने की विधि बताऊंगी जो खाने में टेस्टी और डिलीशियस है। जब चाहे बना सकते हैं, ये आसान तरीका से बना हुआ है। चैनल को लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें। 1.5 कप मैदा, 2 चम्मच सूजी, नमक स्वाद अनुसार मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिए हैं। 1/2 कप पीटा हुआ दही डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे। भटूरे का डो रेडी हो गया है। 20 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, डो फूल गया है, इसे लोई बनाएंगे। लोई बनाकर बेलेंगे। लोई से पेड़ा बना लिए हैं, बेलेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के भटूरे को बेल लिए हैं। तेल गर्म हो गया है, भटूरे को तेल में डीप फ्राई करेंगे। हल्का हल्का पीस करेंगे। भटूरे को पलटेंगे। भटूरे फूल गए हैं, उलट पलट कर सेक दिए हैं। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे। इसी तरह भटूरे को उलट पलट कर सेकेंगे, हल्का प्रेस करेंगे। इसी तरह भटूरे को तेल में से मीडियम आंच में हल्का प्रेस करेंगे। एक कप सरसों का तेल है, 1.5 कटोरी प्याज है। प्याज को हमने लंबे आकार में कट किए हैं। 2 लाल मिर्च,
प्याज फ्राई हो गया है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच मेथी पाउडर डालेंगे, दो चम्मच धनिया पाउडर डालें, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, चार चम्मच मिक्स करेंगे। तीन टमाटर का पेस्ट, दो चम्मच पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, मसाला को फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई हो गया है, मसाला फ्राई हो गया है, उबले हुए काबुली चना को डालेंगे, मिक्स कर लें। काबुली चना को मसाले के साथ फ्राई करेंगे। काबुली चना को हमने मसाले के साथ फ्राई कर लिए हैं। चना मसाले के साथ फ्राई हो गया है। चने में दो गिलास गर्म पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। मीडियम आंच पे कुक करेंगे। काबुली चना को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। मीडियम आंच में काबुली चना को गाढ़ा होने तक पका लिए हैं। दो चम्मच हरा धनिया डालेंगे। काबुली चना रेडी हो गया है, गैस को ऑफ करेंगे।